नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोग्राम के बारे में। तो जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट P-17A के बारे में। और इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत के लिए स्टेल्थ जो फ्रिगेट्स है वो बनाए जाने थे, और इसको लेके इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2017 में स्टार्ट कर दिया गया था। और इसकी लॉन्चिंग 28 सितंबर को होने वाली है, जिसके डिजाइन को लेकर कुछ एनिमेशन सामने आए हैं। तो इस वीडियो में ये एनालिसिस करेंगे कि ये जो हमारा स्टेल्थ वॉरशिप है उससे हम कितना स्टेल्थ कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स होते क्या है। तो बेसिकली फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स आपके जो भी बड़े बड़े वॉरशिप्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइड बाय साइड चलते हैं, और इनका उपयोग करके आप डिफरेंट तरह के टारगेट्स को, चाहे वो लैंड बेस्ड टारगेट हो, सबमरीन का टारगेट हो, या फिर अदर नेवी वॉरशिप के टारगेट हो, तो आप इन सभी टारगेट्स को काउंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो स्पेसिफिक रोल की, तो इसको एंटी सबमरीन वॉरशिप के रूप में भी देखा जाता है। वहीं पर अगर आप बात करते हो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स में डिफरेंस, तो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं। जैसे कि जो आपके फ्रिगेट्स होते हैं वो लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू डिस्ट्रॉयर्स, और फ्रिगेट्स की जो वेपन कैरिंग वॉल्यूम है वो डिस्ट्रॉयर्स के कम्पेयर में कम होता है। वहीं पर ऐसा बताया जाता है कि डिस्ट्रॉयर्स की जो स्पीड होती है वो फ्रिगेट्स से हायर होती है। लेकिन हमारे केस में जो हमारी नेवी के लिए MDLA फ्रिगेट्स बना रही है, जो किसी वाली क्लास फ्रिगेट्स हैं, तो ये फ्रिगेट्स की स्पीड किसी भी डिस्ट्रॉयर के स्पीड के बराबर है। तो यहाँ पे स्पीड का जो कंपैरिजन है वो उतना फिट नहीं बैठता है। तो बेसिकली फ्रिगेट्स को एक कॉस्ट इफेक्टिव और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एस्कॉर्ट वेसल के रूप में देखा जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिशन परफॉर्म करने में सक्षम होता है, जैसे कि कॉन्वे को प्रोटेक्ट करना, सप्लाई शिप को प्रोटेक्ट करना, और आपके जो भी कैरियर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो इस तरह के रोल में इसको देखा जाता है। जहां तक बात है इन सिवाली क्लास फ्रिगेट्स की, तो इनको 2022 में इसका पहला फ्रिगेट INS नीलगिरी कमीशन किया जाएगा इस लॉन्च के बाद। तो अब बात करेंगे इसके स्टेल्थ की। तो स्टेल्थ को लेके किसी भी नेवी शिप की जो स्टेल्थ कैरेक्टर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो हमारा नेवी शिप है वो तो वाटर पे चल रहा है, और साथ ही उसका जो एक मेजर एरिया एक्सपोज्ड है सरफेस पे या फिर एयर में। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए किसी भी नेवी शिप का स्टेल्थ इंश्योर करना कोई आसान वर्क नहीं होता है, और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट हो जाते हैं। जैसे आपको इसे प्रोटेक्ट करना है अकॉस्टिक सिग्नेचर से, रेडार सिग्नेचर से, और जो विजुअल स्टेल्थ है उसको भी आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो ये तीन जो मेन फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं इस तरह के स्टेल्थ वॉरशिप को डिजाइन करते वक्त। तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉस्टिक स्टेल्थ की। तो अकॉस्टिक स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको जो आपका वॉरशिप है उसके जो नॉइज एलिमेंट है उसको रिड्यूस करना होगा। तो नॉइज आपके वॉरशिप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आ सकते हैं, जैसे कि आपके इंजन से, आपके वॉरशिप के अंदर लगे मशीनरी से, और इसी तरह से जो भी मूविंग पार्ट्स हैं उनमें से भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजन के बारे में। तो प्रोजेक्ट P-17A में जो इंजन लगे हैं वो तो इसमें लगे हैं दो डीजल इंजन, जो कि इसको 6000 किलोवाट की पावर देने में सक्षम है ईच इंजन। लेकिन आपको पता है कि जो डीजल इंजन होते हैं वो कहीं ना कहीं नॉइज जनरेट करेंगे, और जब नॉइज जनरेट होगा और वो जो नॉइज ट्रैवल करेगा तो कुछ नॉइज एयर में ट्रैवल करेगा, कुछ नॉइज वाटर में ट्रैवल करेगा। तो नॉइज की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एयर में उतनी जल्दी ट्रैवल नहीं करता है जितने कि वो वाटर में करता है। तो इस तरह के अकॉस्टिक सिग्नेचर का एक तेज स्पीड में वाटर में ट्रैवल करना आपके दुश्मन के जो भी सबमरीन्स है वहां पे एक्सपोज करने में वल्नरेबल बनाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए प्रोजेक्ट P-17A में आपके दो इलेक्ट्रिक इंजन भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि जो इसका नॉइज सिग्नेचर है उसको रिड्यूस किया जा सके, और जो भी आपके मूविंग पार्ट्स होंगे, जो पार्ट्स वाटर से कांटेक्ट में होंगे, तो उन पार्ट्स पे शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाएंगे ताकि वो नॉइज को रिड्यूस कर सके और वाइब्रेशन को कंट्रोल कर पाए। तो ये तो रही बात अकॉस्टिक स्टेल्थ की। तो इस तरह से इस शिप को अकॉस्टिक स्टेल्थ बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। अब बात करते हो आप थर्मल सिग्नेचर की। तो थर्मल सिग्नेचर को लेके इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं अपने LCH वाले वीडियो में, जहाँ पे LCH के लिए DRDO ने इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम बनाया था। तो वो इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम इसी तरह के शिप से डिराइव्ड होके वहाँ बनाया गया था। तो उसी इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम का एक एडवांस वर्जन DRDO डेवलप करके इस शिवाली क्लास फ्रिगेट में लगाने वाली है। और इससे क्या होगा, जो भी आपके इंजन के थर्मल सिग्नेचर होंगे उनको और रिड्यूस किया जाएगा सी में से वाटर लेके, और उन वाटर को एक मिस्ट के फॉर्म में इसके इंजन के एग्जॉस्ट पे यूज किया जाता है, ताकि वो इंजन के एग्जॉस्ट का जो सिग्नेचर है उसे रिड्यूस करके भेजे। अब बात करते हैं रडार स्टेल्थ की। तो रडार स्टेल्थ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि दुश्मन के रडार या फिर रडार इन जनरल किस तरह से काम करता है। वो चारों दिशाओं में अपनी रडार फ्रीक्वेंसी भेजता है, और जिस किसी दिशा में हमारा फ्रिगेट या फिर शिप होगा तो उस फ्रिगेट या फिर शिप से उस रडार की फ्रीक्वेंसी टकरा के दोबारा उनके रडार पे पहुंचेगी, और वो पता लगा पाएंगे कि हमारा जो वॉरशिप है वो कहाँ है।
तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह होता है किसी भी एक्सपोज्ड वॉरशिप के लिए कि वो दुश्मन के रडार सिग्नेचर को उनके रडार पर टकरा के वापस जाने ही ना दे। मतलब उनके शिप का डिजाइन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो दुश्मन की रडार फ्रीक्वेंसी हमारे शिप पर टकरा रही है वो हमारे शिप पर टकरा के कहीं और ही चली जाए। तो इस चीज को अचीव करने के लिए ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपके वॉरशिप का शेप। तो जी हाँ दोस्तों, आपके वॉरशिप का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वॉरशिप में किसी भी तरह का सर्कुलर शेप होगा तो सर्कुलर शेप की प्रॉपर्टी ये होती है कि उस पर अगर कोई भी रडार फ्रीक्वेंसी टकराती है तो वो चारों दिशाओं में उस फ्रीक्वेंसी को भेज देता है। अगर वो चारों दिशाओं में उस फ्रीक्वेंसी को भेजेगा तो ऐसा बहुत पॉसिबल है उतने सारे रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी दोबारा वापस होकर दुश्मन के रडार पे पहुंचेगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए किसी भी जो नेवी वॉरशिप्स होते हैं उसमें हम सर्कुलर शेप नहीं रखते हैं। और ऐसा ही कुछ आपको इस प्रोजेक्ट P-17A के शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स में देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी सर्कुलर शेप, जैसे कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इस एज को भी एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा गया है ताकि इस पर किसी भी तरह के दुश्मन की रडार फ्रीक्वेंसी टकराती है तो वो किसी और दिशा में चली जाए, ना कि वापस होके दुश्मन के रडार के पास जाए। और इसीलिए जितने भी एज होते हैं वॉरशिप के और हमारे शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स में भी जितने भी एज हैं उन सभी एज को शार्प बनाया गया है और कहीं पे भी सर्कुलर एज नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि सर्कुलर एज होगा तो वो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट आपके दुश्मन के रडार पे जाने देगा, बट इस तरह के जो शार्प एज होंगे वो फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देते हैं। अब बात करते हैं आस्पेक्ट की। तो आस्पेक्ट वो चीज है कि मान लो आपको कहीं भी सर्कुलर शेप देने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको एक वर्टिकल एज यूज करना है तो उस वर्टिकल एज को भी एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा जाता है और वो एंगल मोस्ट ऑफ द टाइम अक्यूट एंगल होता है ताकि वो रेडार फ्रिक्वेंसी को डिफरेंट डायरेक्शन में भेज सके। तो यहाँ पे कभी भी फ्लैट जो सरफेस है वो नहीं रखा जाता है, सारे सरफेस एक एंगल पे ही होते हैं। अब बात करते हैं दुश्मन के रडार फ्रीक्वेंसी से बचने के लिए इस तरह का जो फ्रंटल सेक्शन है वो रखा जाए। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह के फ्रिगेट को स्टेल्थ बनाने के लिए जिसका फ्रंटल सेक्शन है उसको मोस्टली कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप अगर फ्रंट से देखते हो तो आपको बहुत कम एरिया दिखे, जिससे कि दुश्मन के रडार वेव के कॉन्टेक्ट में बहुत कम ही एरिया सामने आए, और इसीलिए इसके फ्रंटल शेप को एजी रखा जाता है। अब बात करते हैं मटेरियल की। तो किस तरह के मटेरियल को यूज किया जाए ताकि आपका जो फ्रिगेट है वो ज्यादा स्टेल्थ हो सके। तो आप सभी को पता होगा जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जब भी आप कोई स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहे हो तो आप कोशिश करते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा मेटल का यूज कर पाओ। और इसीलिए जो हमारा शिवालिक क्लास ये जो प्रोजेक्ट P-17A है और इसके अंतर्गत जो INS नीलगिरी है उसको ज्यादा से ज्यादा स्टील मटेरियल का यूज करके बनाया गया है ताकि वो दुश्मन के रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सके। अब बात करते हैं किसी भी तरह के रफ एजेज की। तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के रफ एज को अवॉइड करने के लिए जो कि अमूमन अगर आप टॉप से देखते हो तो आपको वो रफ एजेज मिलते हैं, और वो जो रफ एज होते हैं वो बेसिकली आपके मूरिंग डेक से आते हैं, और ये मूरिंग डेक वो चीज होती है जो आपके डेक पे मान लो कोई रस्सी या फिर एंकर है और उस चीज को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म दिया गया होता है, तो उस चीज को यहाँ पे कम्प्लीटली कवर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी जो रफ सिग्नेचर है वो प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि रफ सिग्नेचर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उस पर अगर कोई रडार वेव्स टकराती है तो वो रडार वेव्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देती है। तो वहां पे आपका जो डायरेक्शन है वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसमें से ऐसी उम्मीद है कि एक किरण जरूर पहुंचेगी आपके दुश्मन के पास, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो मूरिंग डेक है उसको कवर कर दिया गया है। अब बात करते हैं विजुअल स्टेल्थ की। तो विजुअल स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए इस प्रोजेक्ट 17A में एक डिफरेंट तरह की पेंट को अप्लाई किया जाएगा, और ये पेंट जो वॉटर्स होंगे उनके कलर का होगा, जिससे कि इसको विजुअली आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होगा। और वहीं पे विजुअल स्टेल्थ को बढ़ाने के लिए इसके जो स्ट्रक्चर को एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के रूप में यूज किया जा रहा है, जिससे कि आप आसानी से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एक डिस्टेंस से ये जो हमारा पर्टिकुलर फ्रिगेट है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, और मूव कर रहा है तो किस दिशा में कर रहा है। तो इस चीज से विजुअली बचने के लिए इस तरह के जो मेथड है वो अप्लाई किए जाते हैं। और अब बात करते हैं इस पे माउंटेड रेडार की। तो इस पे जो इसका प्रीवियस वर्जन था शिवालिक क्लास फ्रिगेट, तो उन फ्रिगेट्स में डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट एंटीना और रेडार्स दिए गए थे, तो उन सभी को रिड्यूस करके यहाँ पे ये यूज करने जा रहा है ELM-2248, जो कि एक मल्टीफंक्शनल सर्विलेंस ट्रैक और गाइडेंस रडार है। और इससे पहले जो हमारे प्रीवियस क्लास के फ्रिगेट्स थे तो उन पे सर्विलेंस के लिए अलग रडार था, गाइडेंस के लिए अलग रडार था, और ट्रैक के लिए अलग सिस्टम था। तो इस तरह से उन फ्रिगेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स थे, तो इस चीज को यहाँ पे कम किया गया है। और ये जो रडार है 2248, ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार है जो कि 4 एक्टिव एरे एंटीना से बना है, एस बैंड की किरणों का यूज करता है, और ये जो रडार है वो मल्टीबीम और पल्स डोपलर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और इसमें डिफरेंट तरह के जैम को काउंटर करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स दिए गए हैं। और इस रडार की रेंज 450 प्लस किलोमीटर्स हैं, जबकि ट्रैकिंग एंगल 360 डिग्री का देता है ये। अगर आप एलिवेशन कवरेज की बात करते हो तो -20 डिग्री से लेके +85 डिग्री का ये एलिवेशन कवरेज भी देता है। अब बात करते हैं
इस पे किस तरह के वेपन्स प्लान किए गए हैं, तो इस पे तकरीबन 32 बराक 8 जो मिसाइल्स हैं वो होंगी, जो कि एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, LRSM है। बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो तकरीबन 8 ब्रह्मोस मिसाइल इस पे डिप्लॉय किए जाएंगे, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हमारा इंडिजिनस अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है। वहीं पे जो भी इसके हल्स हैं उसमें एक बो शेप हमसा नेक्स्ट जनरेशन का सोनार दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इसको एक अल्टीमेट सबमरीन हंटर बनाने जा रहे हैं। तो बात करते हो गन की, तो इस पे एक गन माउंटेड होगा जो कि इटालियन गन है, जिसका नाम ऑटो मिलारा है। और ये गन एक 127 कैल का गन है और रेट ऑफ फायर इसका 32 RPM है। वहीं पे इस फ्रिगेट पे माउंटेड है रशियन मेड नेवल क्लोजिंग वेपन सिस्टम, जो कि एक 30 mm का रोटरी कैनन सिस्टम है। और इस तरह के दो सिस्टम इस फ्रिगेट पे लगने जा रहे हैं। बात करते हो अगले वेपन की, तो वो है एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर RBU-6000। और इस रॉकेट लॉन्चर की जो रेंज है 600 मीटर से लेके 4300 मीटर तक है और इफेक्टिव रेडियस आपके 150 मीटर तक का है। जहां तक बात करते हो डेप्थ में रेंज क्या है इसकी पानी में, तो वो इसकी रेंज 0 से लेके 1000 मीटर तक की है। और इसमें दो ही ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब लगाए गए हैं, जो कि टॉर्पीडो फायर करने में सक्षम होंगे। वहीं पर अगर आप बात करते हो कि ये कितने एयरक्राफ्ट कैरी करने वाला है, तो ये दो एयरक्राफ्ट कैरी करेगा जो कि रोटरी विंग होंगे। और वो दो एयरक्राफ्ट या तो HAL द्वारा निर्मित ध्रुव हो सकता है या फिर अमेरिकन सीकिंग हो सकता है। तो ये था एक ब्रॉड एनालिसिस इंडिया के स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट P-17A के बारे में। तो इस तरह के तकरीबन 7 फ्रिगेट बनाए जाने हैं, उसमें से जो 4 फ्रिगेट होंगे वो तो आपका MDL बनाएगा और जो बाकी के 3 होगा वो कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स GRSE बनाने वाले हैं। और ये जितने भी 7 फ्रिगेट्स हैं इन सबको 2025 तक कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। और इसमें से ईच फ्रिगेट की जो कॉस्ट है वो आपको 4000 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।